क्या किया है कि ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाई है। ऑन टॉप ऑफ इट अगर 30% तनख्वाह बढ़ने के बाद भी 37,000 रुपये नहीं बनती, इसलिए कि अगर आज मैं ग्रेड 1 में नौकरी करूं तो मुझे तकरीबन 32,000-32,500 रुपये ये 30% बढ़ने के बाद मिलेंगे, और एक तरफ मैं कह रहा हूं कि 37,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए, तो हम एज पर्सनल पे उन लोगों की जिनकी 37,000 से कम तनख्वाह है हम एक पर्सनल पे एक डिफरेंशियल का देंगे ताकि उनकी मिनिमम तनख्वाह 37,000 रुपये हो जाए। ये सारे एम्प्लॉयज़ के साथ होगा और यह अफेक्ट होगा ग्रेड 1 to 6 तक, 6 के बाद ये नहीं होगा। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं इन लाइन विद अदर प्रोविंसेस, हम 1 to 6 की, और 17 से ऊपर उनकी हम 22%, जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हम पेंशन्स हैं उसमें 15% का इजाफा पेंशन्स में भी कर रहे हैं। मिनिमम वेज की मैंने बात की, वी आर प्रपोजिंग दैट द मिनिमम वेज इन दिस प्रोविंस बी सेट एट ₹37,000। आई नो दिस इज़ अ प्रपोजल, और फिर हमारा लेबर डिपार्टमेंट एक तरीक़ाकार होता है जिसमें एम्प्लॉज एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट साथ बैठ के एग्रीमेंट करती है, मिनिमम वेज बोर्ड होता है, वो मिनिमम वेज बोर्ड से हम इंशाल्लाह ताला चाहेंगे कि ये 37,000 रुपये की तनख्वाह पूरी। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बहुत बड़ा मसला था उनकी पेंशन, उस सिलसिले में हमने एडिशनल फंड्स तकरीबन 22 अरब रुपये उनको दिए। टोटल ओवरऑल उनकी 55 अरब रुपये हुए करंट फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और इस तरीके से हम 11,657 रिटायर्ड एम्प्लॉज़ के पेंशनरी ड्यूज जो हैं वो ख़त्म कर चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले साल के पहले महीने में ऑल पेंशनरी लाइबिलिटीज़ विल बी क्लियर्ड एंड देयर शैल बी नो पेंडिंग पेंशन क्लेम्स जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एम्प्लॉज होंगे उनके। सर हमारा आईन कहता है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट 2 से 3 महीने के लिए आनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसे सूरत हाल भी सेंसिस हुआ, सेंसिस के, और ये भी आईनी रिक्वायरमेंट थी कि जी सेंसिस के बाद डिलिमिटेशन दोबारा होनी है, इस वजह से डिले हुए। तो बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग टेन्योर ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट फ्रॉम August 2023 टू द एंड February 2024 द इंटायर डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द प्रोविंस वॉज हॉल्टेड बिकॉज ऑफ बैन इम्पोज बाई ECP ऑन अप्रूवल ऑफ न्यू स्कीम्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑन गोइंग स्कीम्स विद टेंडर्स वर नॉट इनिशिएटेड। However, when we assumed the government, we focused on resuscitating the development regime and set the ball rolling again. We made significant strides in infrastructural and social sector development, and the pace of development activity resulted in highest ever development spending in province for the current financial year. Sir, हमने क्या किया था जब July 2023 में government खत्म होने में 1.5 महीने से कम रह गया था, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को हमने इंस्ट्रक्ट किया, उस वक्त 1500 से ऊपर नई स्कीम्स थी, और उन्होंने 1.5 महीने में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 764 स्कीम्स अप्रूव की, और वी वर रेडी टू वर्क। हमने जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी उसकी एडिक्वेट फाइनेंसिंग रखी। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जी नई स्कीम्स की अप्रूवल भी बंद कर दो, जो टेंडर नहीं हुई अब अप्रूव स्कीम्स इस असेंबली ने अप्रूव की हैं। इलेक्शन कमीशन को नहीं अब पहुंचता था कि असेंबली की अप्रूव्ड स्कीम्स को वो बंद करें कि ना आगे चलाओ, लेकिन जी उन्होंने ऑर्डर दे दिया। हम कुछ कहते थे तो कहते थे कि जी आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। इसके बावजूद इस साल, और मैं आगे बात करूंगा व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स, हमारा हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट स्पेंडिंग हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। In a previous administration, the collective focus remained on combating natural disasters. Now, Sindh is poised for growth. So we aim to enhance provincial revenues through resource mobilization by way of introducing few minimal taxes, rationalizing the existing ones, and equalizing the tax rate with sister provinces and federal authorities. The economic revival requires limiting ourselves to essential expenditures, completing capital projects, and making Sindh an investment destination. Sir, now I would like to unveil the fiscal plan of the 4th consecutive tenure of the Pakistan People's Party government in Sindh, starting from the revised estimates of current financial year.
Mr. Speaker, sir, the revised estimates for provincial expenditure have been proposed at ₹2,252 billion for the year 2023-24, as against the budget estimates of ₹2,282 billion. It includes revenue, capital and development expenditure. Now I would like to present the main features of provincial expenditure. For current revenue expenditure, revised estimates for the year 2023-24 have been pitched at ₹1,584.2 billion, representing 25% increase against current year's budget estimates of ₹1,411 billion. The increase is mainly due to employee-related expenditure. For current capital expenditure, revised estimates for the year 2023-24 has been proposed at ₹139 billion, showing an increase over current financial year's budget of ₹136 billion. This increase is due to surging rupee-dollar parity within the range of ₹275 to ₹307 per US dollar, raising the expenditure towards repayment of loans. The estimates for investment activities have been revised to ₹93.6 billion as compared to the budget estimates of ₹88.2 billion for the current financial year 2023-24. So the development expenditure. Sir, here I would like to state that our previous government presented the budget last year keeping in view end of its constitutional tenure in August 2023. We planned the development process so that so well that the pace of development activity continued even during the caretaker setup. It should have continued even more, even at a higher rate, but unfortunately I told you what the ECP did. It is because of this planning that the current fiscal year has witnessed the highest development expenditure ever. We estimate that the development expenditure will cross ₹480 billion in the current financial year as against ₹313 billion in last financial year. It is important to draw the House's attention to the fact that federal government in 2023, pichle saal, federal government ne 52.9 billion federal PSDP mein rakhe for Sindh projects. और ये बड़ी मुश्किल से रखे गए थे इसलिए कि उससे पहले चार साल सूबा सिंध को कोई एक स्कीम नहीं दी थी वो जो उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने और फिर जब हम कोलेशन का पार्ट बने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारी फेडरल के गवर्नमेंट के लोग उनके प्रेशर की वजह से और उनकी जस्टिफिकेशन की वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने तकरीबन 53 अरब रुपये डाले थे 2023-24 में फेडरल पीएसडीपी में फॉर सिंध प्रोजेक्ट्स. अनफॉर्चुनेटली एक रुपया भी रिलीज नहीं हुआ इन 53 अरब से. सो मच सो कि 29 जनवरी 2024 को यानी इलेक्शन से 8-9 दिन पहले केयरटेकर गवर्नमेंट एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाती है और कहती है कि जिन प्रोजेक्ट्स में जीरो एक्सपेंडिचर है उन सबको निकाल दो. अच्छा सिंध को मैंने आपको बताया पिछले चार साल में एक स्कीम नहीं दी तो हमारे तो सारे नए प्रोजेक्ट्स थे 88 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स सिंध के निकाल दिए इन लोगों ने. लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि हमने दोबारा केस पेश किया एनईसी में हमने रिवर्स कराई वो डिसीशन केयरटेकर गवर्नमेंट की और वो 88 अरब रुपये के प्रोजेक्ट्स दोबारा इंक्लूड हुए और ये जो साल अभी आ रहा है उसमें पिछले साल उन्होंने 23 अरब रुपए रखे थे फॉर दीज प्रोजेक्ट्स जो जिसमें 88 अरब थे और 25 अरब रुपए रखे थे हाउसिंग के लिए 5 अरब एजुकेशन के लिए. अगले साल इन पहले प्रोजेक्ट्स के लिए 45 अरब रुपए रखे हैं फेडरल गवर्नमेंट ने. अब ये हमने उनसे ये पैसे लेने भी हैं और मैं ज़रूर अपने ऑगस्ट हाउस को अपने कॉलीग्स को उसकी अपडेट देता रहूँगा कि कितने पैसा है ताकि हम आपकी भी मदद और आपकी आवाज़ भी हमारे साथ हो फेडरल गवर्नमेंट से अपना हक लेने के लिए. मैंने ये सारी सो मूविंग टू द फिगर्स द रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर 23-24 फॉर प्रोविंशियल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर स्टैंडर्ड ₹549.5 बिलियन. इट इंक्लूड्स ₹283 बिलियन फॉर प्रोविंशियल ADP, ₹24 बिलियन फॉर डिस्ट्रिक्ट ADP एंड ₹240 बिलियन फॉर फॉरन प्रोजेक्ट असिस्टेंट. सर कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं जो हमारी पिछले साल हुई. हमने सिंध इरीगेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट प्रोग्राम 6.12 अरब रुपये का कम्प्लीट किया है. खिपरों से उमरकोट रोड 4.1 अरब रुपये का हमने कम्प्लीट किया है. रिकंडीशनिंग ऑफ मैरान हाईवे फ्रॉम लांडी कराची टू पोर्ट कासिम 1.76 बिलियन. कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 100
एमजीडी पंप हाउस है धाबी जी कॉस्टिंग 1.62 बिलियन। आप अगर रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ शाहरा नूरजहाँ फ्रॉम अब्दुल्ला कॉलेज टू कलनरिया चौक कॉस्टिंग 3.36 बिलियन। बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में 1.5 अरब रुपये की हमने कम्प्लीट की है। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी डिटेल्स बजट बुक्स में भी हैं और आपको एक और किताब मिली होगी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ से, उसमें भी ये सारी डिटेल्स हैं। मैं वक्त नहीं लूँगा आपका डिटेल्स को बताने के लिए। प्रोविंशियल रिसीट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स एंड ये प्रोविंशियल रिसीट्स पे आता हूँ मैं। सिंध इज लार्जली रिलायंट ऑन फेडरल ट्रांसफर बीइंग प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ अ रिसोर्स एनवेलप, इट कंप्राइजेस शेयर फ्रॉम डिविजिबल पूल एंड स्टेट ट्रांसफर्स। रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ फेडरल ट्रांसफर्स हैव बीन प्रपोज टू बी ₹1.395 trillion एज अपोज टू ₹1.353 trillion फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2000। बजट एस्टिमेट्स ऑफ 1.353 ट्रिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। Revised estimates for divisible stand at ₹1.264 trillion as against budget estimates of ₹1.255 trillion, and customs and federal excise duties of ₹179.6 billion and ₹81.98 billion respectively. Revised estimates for straight transfers stand at ₹97.44 billion against budget estimates of ₹64.42 billion for the year 2023-24. We expect to receive the budgeted amount by the end of current financial year 2023-24. ये सारे पैसे हमें मिले नहीं हैं, अभी दो किस्तें आनी बाकी हैं, एक 17 को शायद ना आए, ईद का दिन है उसके बाद आए,